हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल QCS एंड टुडेज टॉपिक इज वेपर फेज रिफाइनिंग। जी, वेपर फेज रिफाइनिंग आप ही की डिमांड पे जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम यूज करते हैं क्रूड मेटल्स को प्योर करने के लिए। बिल्कुल सही समझे आप, ये 6 यूनिट जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से ही एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? जब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद ओर को मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं तब भी मेटल के अंदर कुछ इंप्योरिटीज बच जाती हैं। उस मेटल को, जिस मेटल के अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, उस मेटल को हम क्या बोलते हैं? क्रूड मेटल बोलते हैं। उस क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेसेस का यूज करते हैं, जिनमें से एक प्रोसेस है जिसका नाम है वेपर फेज रिफाइनिंग। राइट स्टूडेंट, वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर हम क्रूड मेटल्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं? वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। किसके साथ? सुटेबल रिएजेंट्स के साथ। वो पहले वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद हम उनकी इंप्योरिटीज को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। सबसे पहली बात, वेपर फेज रिफाइनिंग की दो रिक्वायरमेंट है। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है दिमाग में कि वेपर फेज रिफाइनिंग से हम कौन से मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं या कौन से मेटल्स की इंप्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं और प्योर मेटल बना सकते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास वेपर फेज रिफाइनिंग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम यहां पर। एक हम करेंगे मॉन्ड्स प्रोसेस। क्या करेंगे? मॉन्ड्स प्रोसेस। और दूसरा हम करेंगे वैन आर्कल मेथड। राइट स्टूडेंट्स, ये दो प्रोसेस हैं। जब मैं मॉन्ड्स प्रोसेस की बात करता हूं तो मॉन्ड प्रोसेस के थ्रू हम निकल का जो क्रूड मेटल होता है उसको हम प्योर निकल मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वैन आर्कल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? टाइटेनियम को और जिरकोनियम, इन दो क्रूड मेटल्स को प्योर बनाते हैं। वो मैं आपको वन बाय वन ये प्रोसेस आज बताने वाला हूं, ताकि वेपर फेज रिफाइनिंग एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफाइनिंग प्रोसेसेस के अंदर जो एग्जाम्स के अंदर बेसिकली पूछ लिया जाता है। लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, CBSE क्वेश्चन पेपर्स, तो उनमें आपको वेपर फेज रिफाइनिंग 10 ईयर्स में अप्रोक्सीमेट 6:10 के रेशियो से आपको मिलेगा। मतलब 6 ईयर्स में आपको 100% वेपर फेज रिफाइनिंग मिलने वाला है। इसलिए ये दोनों प्रोसेस जो हम करेंगे अभी, एक मॉन्ड प्रोसेस करेंगे और एक वैन आर्कल मेथड करेंगे, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर आते हैं। और यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मॉन्ड प्रोसेस में हम कौन से मेटल को प्यूरिफाई करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, मॉन्ड प्रोसेस के अंदर हम प्यूरिफाई करते हैं निकल को, और वैन आर्कल के अंदर हम प्यूरिफाई करते हैं टाइटेनियम और जिरकोनियम को। विद सुटेबल रिएजेंट्स के साथ लेंगे हम इन्हें पर्टिकुलर टेम्परेचर्स पर, जो आपको याद रखना पड़ेगा। बट इन सब पर जाने से पहले वेपर फेज रिफाइनिंग की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। वो दो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? वो मैंने यहां पर लिखी हुई हैं। वो दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, जिनमें सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जिस भी मेटल को प्योर कर रहे हैं या जिस भी मेटल को प्योर फॉर्म में लाएंगे, वो मेटल शुड फॉर्म ए वॉलेटाइल कंपाउंड। किसके साथ? विद ए सुटेबल रिएजेंट। मतलब वो मेटल क्रूड मेटल के साथ जब आप कोई सुटेबल रिएजेंट ऐड करेंगे तो वो मेटल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए? वो मेटल कन्वर्ट हो जाना चाहिए उसी मेटल के वॉलेटाइल कंपाउंड्स के अंदर। उसी मेटल को आप वेपर फेज रिफाइनिंग से क्या कर सकते हैं? रिफाइन या प्यूरिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो वॉलेटाइल कंपाउंड उस मेटल का बन गया है सुटेबल रिएजेंट्स के साथ ऐड करने से, वो ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली क्या हो जाए?
डिकम्पोज हो जाए, ताकि आप मेटल की रिकवरी इजी तरीके से कर सके। आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है। ये दो चीजें जब आप दिमाग में रखेंगे तो वेपर फेज रिफाइनिंग को आप भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात कि वेपर फेज रिफाइनिंग में आप उसी मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं जो मेटल सुटेबल रिएजेंट के साथ क्या बन जाए, वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो सके। पहली कंडीशन। दूसरा, जो वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा वो वोलेटाइल कंपाउंड इजीली डिकम्पोजेबल भी होना चाहिए, ताकि आप प्योर मेटल की रिकवरी क्या कर सकें, इजी तरीके से कर सकें। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिव्यू दे देता हूं। वेपर फेज रिफाइनिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम क्रूड मेटल को उसकी इंप्योरिटीज से फ्री कर देते हैं। कब? सुटेबल वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करके, सुटेबल रिएजेंट के साथ। कैसे? हीट करके। क्या करके? हीट करके। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मेटल को क्या करेंगे? सुटेबल रिएजेंट के साथ, सुटेबल रिएजेंट के साथ मिलाएंगे, और यहां पर क्या करेंगे? उसे हीट करेंगे। कैसा हीट करेंगे? आप उसे लो टेम्परेचर पर हीट करेंगे। ये पहली रिक्वायरमेंट है। क्या करेंगे? लो टेम्परेचर पर आप उसे क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वोलेटाइल कंपाउंड। राइट स्टूडेंट, इस वोलेटाइल कंपाउंड को वापस से आप डिकम्पोज करने के लिए क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। फिर से आप इसे हीट करेंगे किस पर? हाई टेम्परेचर पर, ताकि ये वोलेटाइल कंपाउंड क्या हो जाए? आपका डिकम्पोज हो जाए, और आपको क्या मिल जाए? आपको मिल जाए प्योर मेटल। क्या मिल जाए? प्योर मेटल। ये जो मेटल था, ये था क्रूड मेटल। क्रूड मेटल वो मेटल होता है जिसके अंदर क्या होती हैं? इंप्योरिटीज होती हैं। हमने क्या किया, इस क्रूड मेटल को सुटेबल रिएजेंट के साथ ऐड करेंगे और पहले इसे हीट करेंगे लो टेम्परेचर पर, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि ये क्रूड मेटल कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए। कब? जब हम इसे सुटेबल रिएजेंट के साथ क्या करें? लो टेम्परेचर पर हीट करें। तो वो कर रहा है, वो क्या बना देगा? वोलेटाइल कंपाउंड बना देगा। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? कि ये वोलेटाइल कंपाउंड इजीली क्या होना चाहिए? डिकम्पोजेबल भी होना चाहिए। तो अगेन हम इस वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे हीट करके हाई टेम्परेचर पर, तो ये हमें क्या दे देगा? प्योर मेटल दे देगा। यही जो मैंने प्रोसेस आपको कराया है, यही प्रोसेस दोनों इन मेथड्स के अंदर मैं अभी आपको वन बाय वन बताता हूं। एक मोन्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है और एक वेन आर्कल मेथड के नाम से जाना जाता है। दोनों के दोनों वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर ही आते हैं। आपको ये दो रिक्वायरमेंट याद रखनी है स्टूडेंट्स। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रोसेस पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोन्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोन्स प्रोसेस। और मोन्स प्रोसेस में हम कौन से क्रूड मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं? मैंने आपको बता दिया है कि हम यहां पर निकल को प्यूरिफाई करेंगे, निकल के क्रूड मेटल को प्यूरिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे? हम बात कर रहे हैं मोन्स प्रोसेस की, जिसमें आपको पता है कि हम क्या बात करेंगे? हम करेंगे निकल। कौन सा? क्रूड निकल। कौन सा निकल? क्रूड निकल मेटल लेंगे हम स्टूडेंट्स, राइट? ये हम क्या लेंगे? क्रूड निकल लेंगे। क्रूड निकल का मतलब मैं यहां ले रहा हूं निकल, जो क्या है? इंप्योर है। क्या है? इंप्योर। इसके अंदर क्या है? इंप्योरिटीज है। मैं इस इंप्योर निकल को 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करूंगा? हीट करूंगा। कितने टेम्परेचर पर? मैं इसको लो टेम्परेचर पर हीट करूंगा 330 से लेकर के 350 केल्विन टेम्परेचर तक। जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये एक कंपाउंड बना लेगा जो कि एक वॉलेटाइल कंपाउंड होगा NiCO का होल 4, जिसे हम क्या बोलेंगे? निकल टेट्रा कार्बोनाइल कंपाउंड।
क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे निकल टेट्रा कार्बोनाइल वॉलेटाइल कंपाउंड, वॉलेटाइल कंपाउंड, राइट स्टूडेंट। ये वॉलेटाइल कंपाउंड इजीली क्या होना चाहिए, डिकम्पोजेबल भी होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस वॉलेटाइल कंपाउंड को लेंगे टेट्रा कार्बोनाइल, कौन सा, निकल टेट्रा कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको अगर मैं वापस से हीट कर दूं, किस पर, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर मतलब 450 से लेकर के 470 केल्विन तक, तो ये क्या हो जाएगा, वापस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फोर मॉलिक्यूल्स हमारे क्या निकल जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के एज इट इज निकल जाएंगे। अब क्या था, आप देखेंगे कि यहां भी निकल और फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड थे, नीचे भी हमारे पास निकल और फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। यहां पर हुआ क्या, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस इंप्योर निकल की इंप्योरिटीज को लेकर के निकल जाती है, और ये क्या बन जाता है हमारे पास, प्योर निकल बन जाता है। ये है हमारे पास क्या, मोन्स प्रोसेस स्टूडेंट्स, राइट, जो किसके अंदर आता है, वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर आता है। आपको ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूं दिमाग के अंदर रखिए उसको, 101% ये एग्जाम्स के अंदर टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट आपसे वेपर फेज रिफाइनिंग पूछ लिया जाएगा, या आपसे इंटरनली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वेपर फेज रिफाइनिंग के थ्रू हम कौन कौन से मेटल्स, कौन कौन से क्रूड मेटल्स को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आप ध्यान रखें, निकल टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। अब ऐसे अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोन्स प्रोसेस किसे कहते हैं, या मोन्स प्रोसेस के अंदर हम कौन से मेटल को प्योरीफाई करते हैं। तो मोन्स प्रोसेस जिसमें इंप्योर निकल को हम प्योरीफाई करते हैं, इंप्योर निकल को फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लो टेम्परेचर पर हम हीट करेंगे, तो वो पहले वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, और फिर उस वॉलेटाइल कंपाउंड को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो वो हमें क्या दे देगा, प्योर निकल दे देगा, और इंप्योरिटीज के साथ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये प्रोसेस, मोन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिस नेक्स्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, वेन आर्कल मेथड बोलते हैं। और वेन आर्कल मेथड में हम दो मेटल्स को, दो क्रूड मेटल्स को प्योर करेंगे, राइट, कैसे, वेपर फेज रिफाइनिंग के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे वेन आर्कल मेथड। वेन आर्कल मेथड में हम क्या लेते हैं, एक हम टाइटेनियम ले सकते हैं या जिरकोनियम ले सकते हैं। अब दोनों का प्रोसेस देखिए अलग अलग है, बस टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे मेरे पास, मैं ले रहा हूं, सबसे पहले मैं ले रहा हूं टाइटेनियम, जो कि क्या है, इंप्योर है, इंप्योर टाइटेनियम लिया। मैं इस इंप्योर टाइटेनियम को हीट कर रहा हूं 870 केल्विन पर आयोडीन के साथ, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 के साथ 870 केल्विन टेम्परेचर, जो कि लो टेम्परेचर माना जाएगा यहां पर, लो टेम्परेचर। जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन से वॉलेटाइल कंपाउंड में, TiI4 टाइटेनियम आयोडाइड, ये इसका वॉलेटाइल कंपाउंड है, जिसको मैं अगेन फिर से हीट करूंगा, क्या करूंगा, फिर से हीट करूंगा हाई टेम्परेचर 2075 केल्विन, मतलब 2075 केल्विन, किसके साथ, टंगस्टन के साथ, ये सूटेबल रिएजेंट है इसका। इसके साथ जब आप इसे हीट करेंगे तो वापस आपके पास क्या मिलेगा, टाइटेनियम मिल जाएगा और 2I2 बाहर निकल जाएगा। टाइटेनियम तो यहां भी था और टाइटेनियम यहां भी है, दोनों में फर्क क्या है कि ये जो मिला हमें ये प्योर टाइटेनियम है। हुआ क्या, इसके अंदर हमने इंप्योर टाइटेनियम, क्रूड टाइटेनियम को आयोडीन के साथ हीट किया 870 केल्विन लो टेम्परेचर पर, तो हमारे पास ये एक कंपाउंड बना जिसे हम क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल कंपाउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल कंपाउंड, राइट स्टूडेंट्स। ये वॉलेटाइल कंपाउंड अगेन अगर आप हाई टेम्परेचर पर, किस पर, हाई टेम्परेचर पर हीट करें, हाई टेम्परेचर कितना यहां दे रखा है 2075 केल्विन, किसके साथ, टंगस्टन की प्रेजेंस में,
तो आपके पास क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज होंगी ना क्रूड टाइटेनियम के अंदर, वो सारी इंप्योरिटीज आयोडीन लेकर के गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, प्योर टाइटेनियम बच जाएगा। ये एक पार्ट है वैन आर्कल मेथड का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम इस वैन आर्कल मेथड के थ्रू जिरकोनियम को भी प्योरीफाई कर सकते हैं। सेम आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यही याद रखना है, यहां रखेंगे आप जिरकोनियम, जिरकोनियम क्या होगा आपके पास, इंप्योर जिरकोनियम होगा। इस इंप्योर जिरकोनियम को भी आप I2 के साथ, 2I2 के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे 870 केल्विन टेम्परेचर, जिसे हम यहां पर क्या बोलेंगे, लो टेम्परेचर बोलेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो ये भी एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाएगा, कौन सा, ZRI4 जिरकोनियम आयोडाइड, जिसे फिर से हम क्या बोलेंगे, हम यहां पर इसे वॉलेटाइल कंपाउंड बोलेंगे, राइट। इस वॉलेटाइल कंपाउंड को अगेन अगर आप टेम्परेचर पर, कौन से पर, 2075 केल्विन, जिसे आप क्या बोल रहे हैं, जिसे आप बोलेंगे हाई टेम्परेचर पर, अगर आप इसे हीट करें किसके साथ, टंगस्टन के साथ, W एक टंगस्टन एलिमेंट होता है, तो आपके पास यहां पर जिरकोनियम मिल जाएगा, जो किस फॉर्म में मिलेगा, प्योर फॉर्म में मिलेगा, और प्लस में क्या निकल जाएगा, 2I2 विद इंप्योरिटीज, राइट स्टूडेंट्स, ये इंप्योरिटीज के साथ 2I2 मॉलिक्यूल्स आपका निकल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास वैन आर्कल मेथड है। एग्जाम्स के अंदर सीधा डायरेक्ट आपसे मोंड्स प्रोसेस पूछ लिया जाता है या वैन आर्कल मेथड पूछ लिया जाता है। मैं एक बार आपको डिफाइन कर देता हूं, मेरे नोट्स में जो लिंक के साथ आपको मिलेंगे उन नोट्स में आप देख सकते हैं कि वेपर फेज रिफाइनिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम क्रूड मेटल को उसकी इंप्योरिटीज से फ्री करा देते हैं, क्या सुटेबल रिएजेंट के साथ हीट करके उसे पहले वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस वॉलेटाइल कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर हम प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी दो कंडीशंस मैंने आपको बताई कि जो मेटल आप ले रहे हैं क्रूड मेटल, वो क्रूड मेटल शुड फॉर्म ए वॉलेटाइल कंपाउंड विद सुटेबल रिएजेंट, ये उसकी कंडीशन होनी चाहिए पहली। दूसरी, जो भी वो वॉलेटाइल कंपाउंड बनाए शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल, ताकि मेटल की रिकवरी क्या हो सके, इजी तरीके से हो सके। इसको हमने वेपर फेज रिफाइनिंग को दो मेथड्स के एग्जांपल दे करके यहां पर समझाया है, जिसमें पहला है मोंड्स प्रोसेस। मोंड्स प्रोसेस में हम निकल को प्योरीफाई करते हैं मोंड प्रोसेस के थ्रू। निकल को जब हम हीट करते हैं इन स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो क्या करता है, वो बना लेता है वॉलेटाइल निकल टेट्रा कार्बोनाइल, एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना लेता है जो कि डिकम्पोज होकर के हमें क्या देने वाला है, प्योर निकल देने वाला है। और उसके साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के साथ क्या, निकल में से इंप्योरिटीज को लेकर के क्या रह जाती है, लेफ्ट रह जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद निकल एंड इंप्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के साथ कंबाइन हो जाती है और फिर प्योर निकल निकल जाता है और इंप्योरिटीज कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर के पीछे ही रह जाती हैं। दिस इज द मोंड्स प्रोसेस एंड नेक्स्ट वन इज वैन आर्कल मेथड थ्रू विच यू कैन प्योरीफाई टू मेटल्स जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। सबसे पहला तो ये है। और एक चीज इसमें याद रखना, वैन आर्कल मेथड जो यूज होता है वो अल्ट्रा प्योर मेटल्स पाने के लिए होता है, मतलब किसी भी मेटल को बहुत ज्यादा प्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वैन आर्कल मेथड यूज करते हैं। सेम प्रोसेस है टाइटेनियम इंप्योरिटीज के साथ, जब हम ऐड करेंगे या हीट करेंगे इन आयोडीन वेपर्स में एट अबाउट 870 केल्विन, तो वो क्या बनाएंगे, वॉलेटाइल कंपाउंड बना लेंगे, क्या जिरकोनियम टेट्राआयोडाइड या टाइटेनियम आयोडाइड टेट्राआयोडाइड, जो कि फिर से आप हीट करोगे ओवर टंगस्टन फिलामेंट एट 2075 केल्विन, तो वो क्या दे देंगे हमें, वो हमें प्योर जिरकोनियम और टाइटेनियम दे देंगे। किस प्रोसेस के थ्रू, वैन आर्कल प्रोसेस के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका वेपर फेज रिफाइनिंग,
जो कि रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर आता है आपकी सिक्स यूनिट जर्नल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में से। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन मैसेज बॉक्स। मैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट आपके लिए लेके आऊंगा उससे पहले मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा अगर आपका कोई डाउट होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद वेपर फेज रिफाइनिंग करने में या मोंड्स प्रोसेस और वैन आर्कल मेथड प्रोसेस करने में कोई भी डाउट नहीं निकलेगा अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो। राइट स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले स्टूडेंट्स। अगर आप मेरी वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं और आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो सब्सक्राइब तो आपने चैनल कर ही रखा है, उसे लाइक करना ना भूले। गुड लक।